मेरा नाम है दिनेश कुमार और एक बार फिर मेरे चैनल लैब टेक्नीशियन अड्डा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज जो है हम टेस्ट फॉर सिकल सेल के बारे में जो है प्रोसीजर पूरा देखेंगे, कैसे जो है सिकल सेल का टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन हम देख लेते हैं सिकल सेल आखिर होता क्या है। और यदि आप नए हैं चैनल पर तो आप सब्सक्राइब जरूर कर दें चैनल को, ठीक है, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लें और कोई सवाल है तो कमेंट्स भी कर सकते हैं आप। चलिए देखते हैं इंट्रोडक्शन इसका। तो सिकल सेल डिसीज जो होता है मैं आपको बता दूँ, ठीक है, जो ये जो बीमारी है वो किसका है, हमारे ब्लड सेल्स में जो RBC होता है उसको जो है ये डिसीज जो है अटैक करता है। ठीक है, और सबसे पहला जो पॉइंट लिखा हुआ है वो इनहेरिटेड डिसऑर्डर होता है, मतलब ये माँ बाप से जो है बच्चों को होने वाली ये बीमारी है। ठीक है, मतलब माँ बाप से बच्चों तक ये बीमारी जाता है। अब ये सिकल सेल डिसीज होता क्या है, ये जो हमारा नॉर्मल RBC होता है, ठीक है, तो ये RBC मैंने बनाया, तो ये ओवल शेप का होता है ये RBC, ठीक है, ओवल शेप का होता है, अंडे के आकार का, ठीक है, डिस्क शेप में, और जब ये ऑक्सीजन कैरी करता है या कार्बन डाइऑक्साइड तो ये बायकॉनकेव हो जाता है। ठीक है, तो ये जो हमारा नॉर्मल RBC हो गया, जब नॉर्मल RBC होगा तो इसमें हीमोग्लोबिन भी नॉर्मल होगा। ठीक है, लेकिन जब सिकल सेल हो जाता है तो सबसे पहला इसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। स्ट्रक्चर कैसे चेंज होता है, सिकल मतलब सी के आकार का हो जाएगा या फिर हंसीए का आकार का। ठीक है, इस तरीके से जो हंसीए का आकार का ये दिखाई देने लगेगा जब आप माइक्रोस्कोपी करोगे, ठीक है, तब ये इस तरीके का जो स्ट्रक्चर हमें दिखाई देने लगेगा। ठीक है, अब उससे होगा क्या, जब ये होता है तो ये सी शेप्ड में जब हमें दिखाई देने लगता है तो इसमें एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन होता है, उसके साथ साथ जो है एबनॉर्मलिटीज़ क्या क्या आएगा, जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड कैरी करने की क्षमता जो है ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे इसका लाइफ स्पेन जो है 120 दिन तक होता है हमारा नॉर्मल RBC का, तो इसका लाइफ स्पेन कम हो जाएगा और ये जो है 10 से 20 दिन तक जो है ये जीवित रहेगा। और उसके बाद जो है जब इसमें एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन होगा, ठीक है, तो ये क्या करेगा, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड कैरी करने की क्षमता को कम कर देगा, उससे जो है सांस लेने में तकलीफ़ होगा। ठीक, और उसके बाद जो है थकान महसूस होगा, लेजीनेस मतलब बोरियत जो है थकान महसूस होगा, वही चीज़ है। तो बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स हैं जो इसमें दिखाई हमें जो है देने लगेगा सिकल सेल की कंडीशन में। अब हम इसको जो है जैसे कि ये वाला पॉइंट जो लिखा हुआ है लास्ट में, ठीक है, तो ये जो है जो ब्लड वेसल्स में जो है ये सिकल सेल जो है ईजिली तरीके से क्या नहीं करता है, मूव नहीं करता है। ठीक है, तो बाकी जो RBC नॉर्मल हमारा जो RBC होगा वो नॉर्मल तरीके से जो है ईजिली तरीके से जो है मूव करते हैं हमारे ब्लड वेसल्स में। और उसके बारे में जो है हम आगे बात करते हैं कि ये और इसका इंट्रोडक्शन थोड़ा बहुत और देखते हैं, उसके बाद इसका प्रोसीजर हम देखते हैं। तो ये जो होमोजाइगस सिकल सेल एनीमिया है तो ये जो है हमारा पेरिफेरल ब्लड स्मियर में जो है आसानी से दिख जाएगा। ठीक है, और डायग्नोसिस करेंगे इसको जो है क्लिनिकली या हेमेटोलॉजिकल पिक्चर में जो है आसानी से हमें दिखाई दे देगा। लेकिन जो हेटेरोजाइगस जो सिकल सेल ट्रेट होता है ये जो है इसका जो है चेंजेस जब होता है तो ये जो है क्या होता है आसानी से जो है हमें डायग्नोसिस करने में जो है दिक्कत होता है और ये दिखाई हमें आसानी से दिखाई नहीं देता है। ठीक है, तो एटलीस्ट आपको सिकल सेल तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये एनीमिया का एक टाइप्स है। ठीक है, और इनहेरिटेड होता है, ये नॉर्मल जो है बेसिक चीज़ें मैंने आपको बता दिया। बाकी एनीमिया बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये आता भी है एग्जाम में एनीमिया का पूरा पार्ट, लेकिन सिकल सेल एनीमिया जो है इसका जो है हम टेस्ट परफॉर्म करते हैं किस तरीके से वो जो है हमें डिटेल में जानकारी जो है ज़रूरी है, इसलिए मैं इसमें बता रहा हूँ। और बाकी जो है डिटेल में हम इसके बारे में देखेंगे जब पूरा एनीमिया जब हम पढ़ेंगे तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हमारा स्पेसिमेन जो है, और स्पेसिमेन हम इसमें क्या लेंगे, फ्रेश जो है एंटीकोगुलेंट ब्लड सैंपल लेंगे, और नॉर्मल ब्लड आप ले सकते हैं सैंपल किसकी तरह, कंट्रोल की तरह यूज करने के लिए। और उसके बाद जो है हम आगे देखते हैं इसका जो है प्रोसीजर कैसे होगा। रिएजेंट जो है, रिएजेंट क्या होगा, ये फ्रेशली प्रिपेयर्ड जो होगा तुरंत बनाया हुआ सॉल्यूशन, 2% सोडियम मेटाबाय सल्फेट डिजोल्व, 0.2 ग्राम, ठीक है, 10 ml डिस्टिल वाटर में जो है अपने को इसको डिजोल्व करना है। ठीक है, 2% सोडियम मेटाबाय सल्फेट को। अब प्रोसीजर हमारा क्या हो जाएगा, टेस्ट ट्यूब लेना है अपने को। प्रोसीजर पहले इधर आप समझ लीजिए स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, एक टेस्ट ट्यूब लेना है, टेस्ट ट्यूब में जो है हमारा सबसे पहले क्या है, 0.5, ठीक है, ml इसमें सोडियम मेटाबाय सल्फेट है। ठीक है, 0.5 ml हमारे पास सोडियम मेटाबाय सल्फेट है, इसमें जो है हम क्या ऐड करेंगे, 0.5 ml होल ब्लड इसमें ऐड किया। उसके बाद जो है इसको अच्छे से क्या करना है, मिक्स करना है। ठीक है, आपको अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद जो है इसको क्या करना है, एक ड्रॉप यहाँ से लेकर के जो है आपको आपके पास स्लाइड है, स्लाइड में जो है एक ड्रॉप लेकर के यहाँ पर रख देना है। उसके बाद इसमें जो है आपको क्या करना है, कवर स्लिप डाल देना है। ठीक है, उसके बाद वैसलीन की मदद से जो है आप इसको सील्ड कर सकते हैं। ठीक है, अब इस तरीके से आपने इसको जो है रख दिया, कवर स्लिप भी आपने रख दिया। जब कवर स्लिप रखोगे
ठीक है, तो पूरा जो है ये आपका जो सैंपल है और रिएजेंट है वो पूरा जो है क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है इसको, रूम टेम्परेचर में जो है 1 घंटे के लिए जो है आपको छोड़ देना है। ठीक है, इसी तरीके से जैसा ये है, ठीक है, बिना डिस्टरबेंस कर किए जो है इसको 1 घंटे के लिए आपको छोड़ देना है। उसके बाद जो है आप इसको, आपको क्या करना है, माइक्रोस्कोप में जो है क्या करना है, ऑब्जर्व करना है। माइक्रोस्कोप में इसको जो है ऑब्जर्व करोगे, ठीक है। जब माइक्रोस्कोप में हमें ऑब्जर्व क्या करना है वो हम स्ट्रक्चर जो है इसके बाद देखेंगे। ठीक है, जब आप माइक्रोस्कोप में देखोगे इसका स्ट्रक्चर, जो आरबीसी का स्ट्रक्चर है, ठीक है, तो आरबीसी का स्ट्रक्चर जब आप देखोगे तो उसमें नॉर्मल आरबीसी का स्ट्रक्चर जैसे मैंने कि आपको बताया था, ठीक है, ओवल शेप में होता है आरबीसी, आपको अलग से जो है इस तरीके से दिखाई देगा। और जैसे कि सिकल सेल एनीमिया है तो वो जो है आपको अलग से इस तरीके से दिखाई देगा। ठीक है, ये इस तरीके से आपको सिकल सेल एनीमिया जो है दिखाई देगा। ठीक है, तो वही चीज़ जो है हमें ऑब्जर्व करना है यदि सिकल सेल कंडीशन में। और दूसरा चीज़ जो है, यदि आपको जो है कंट्रोल आपको लगाना है इसका, तो जो नॉर्मल ब्लड है उसको जो है सेम प्रोसीजर आप परफॉर्म करोगे, उसके लिए भी इतने 0.5 ml इसमें सोडियम मेटाबाई सल्फेट लोगे, उसके बाद 0.5 ml होल ब्लड लोगे। ठीक है, उसका भी इसी तरीके से स्लाइड में लेकर के कवर स्लिप से आप कवर करोगे। ठीक है, 1 आवर के लिए आप उसको छोड़ दोगे, फिर माइक्रोस्कोप से जो है उसको भी आप ऑब्जर्व करोगे, आपको नॉर्मल जो है आरबीसी इस तरीके से दिखाई देंगे, उसमें जो है आपको कोई भी जो है आपको सिकल सेल दिखाई नहीं देगा। ठीक है, और यदि आपके पास पॉजिटिव सिकल सेल का एनीमिया का आपके पास पहले से है, ठीक है, तो पॉजिटिव कंट्रोल की तरह उसको भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक, समझने के लिए। बाकी जो है आपको पॉजिटिव है जिसमें, तो वो तो आपको दिखाई देगा, पेरिफेरल ब्लड जो है इसमें आपका, उसमें भी आप बनाओगे तो उसमें भी आपको दिखाई देगा। और इस तरीके से जो है ये प्रोसीजर है, इसमें भी आपको आराम से जो है वो चीज़ दिखाई देगा।